नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एवी लाइव न्यूज, खबर का सच आप तक। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में पर्स चैन लुटेरे गिरोह के दो बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार लुटेरों ने अपने नाम आरिफ और शबलू बताए हैं। इनके कब्जे से पुलिस ने दो तमंचा, कारतूस और 1100 रुपए किए बरामद। में एक बड़ी संगीन घटना हुई थी कि बच्चे पे तमंचा लगा करके और उनसे गहने वगैरह छीन लिए गए थे, पैसे छीने गए थे। तो उसमें सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ की तो ये प्रकाश में आया कि आरिफ नाम का एक लड़का उसमें से। जब उससे पहचान का प्रयास किया गया तो आरिफ जो है वो एक पुलिस में HCP हैं, जो कवि नगर में पोस्टेड हैं, उनका लड़का है। और यहीं पे स्वामी विवेकानंद कॉलेज से ये फोर्थ सेमेस्टर लॉ का स्टूडेंट है और इसने ये घटना कारित की। इसके पहले भी ये नोटोरियस टाइप का लड़का है और इस तरह की घटनाएं करता रहा है। और जब विस्तृत पूछताछ की गई तो कुल 5 घटनाएं, 4 कुआरसी की और एक इसकी घटना वर्कआउट हुई। और इसके मोटरसाइकिल से ये घटना घटित हुई थी, वो मोटरसाइकिल बरामद की गई, वो तमंचा बरामद किया गया और पैसे बरामद किए गए।